हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2022 के लिए जो है मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग पेपर में। तो रीजनिंग पेपर में हम लोग अलग अलग टाइप का जो है सवाल हम लोग देख रहे हैं। तो आज देखते हैं नए टाइप का सवाल, इसमें निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको चार डाटा दिया हुआ रहेगा, इसी के आधार पर जो है आपको सवाल को हल करना है। जैसे पी मल्टीप्लिकेशन क्यूब का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी डिवीजन क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। ये आपको चार डाटा दिया हुआ रहेगा, इसी के आधार पर एक समीकरण दिया हुआ रहेगा ये, और उसमें जो है आपको बोला जाएगा कि ये चार विकल्प में से क्या सही होगा। जैसे देखिए, इसमें अभिव्यक्ति W प्लस टी डिवीजन R मल्टीप्लिकेशन Q मल्टीप्लिकेशन M में W का M से क्या संबंध है, W यहाँ है और M यहाँ है, ये दोनों के बीच में इतना आपका ये समीकरण हो गया। W और M के बीच में आपको समीकरण बताना है। ये प्लस माइनस से सॉल्व नहीं होगा, ये प्लस मैथ का प्लस माइनस से नहीं, उसका जो है एक सिंबल जो है कोड वर्ड में आपका दिया हुआ है, ये चार डाटा दिया हुआ है, आपको उसी के अनुसार हल करना है। आइए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका जो है हो गया अभिव्यक्ति, ये हमारा समीकरण है डब्लू प्लस टी डिवीजन आर इंटू एम मल्टीप्लिकेशन एम, ये हो गया। अब देखिए, ये हमारा समीकरण दिया हुआ, अब हमको चलना है सवाल में जो दिया हुआ कोड वर्ड उसी के अनुसार चलना है। पी इंटू क्यू यहाँ से नहीं, डब्लू ये पहले डब्लू प्लस टी, प्लस का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू की बहन है, पी प्लस टी का अर्थ है पी जो है क्यू का बहन है। तो यहाँ पर जब डब्लू हो जाएगा, ये हो जाएगा बहन, ये बहन हो गया, किसका बहन हुआ, टी का बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू की बहन है। तो यहाँ डब्लू जो है बहन है टी की, ये टी की बहन है, ये हो गया। दूसरा करा टी डिवीजन आर, टी डिवीजन आर का अर्थ है पी जो है क्यू का पिता है, पी डिवीजन क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू का पिता है, यहाँ पर टी डिवीजन आर है तो टी हो जाएगा, टी जो है आर का ये पिता हो गया, पिता हो गया आर का। आपको इस डायरेक्शन में जिधर तीर जा रहा है उधर आपको चलना है, मतलब डब्लू बता रहा है टी का बहन है और टी बता रहा है आर का पिता है, ये दो हमारा मिल गया। आर इंटू एम, आर इंटू एम इंटू इंटू का अर्थ है पी जो है क्यू का भाई है, ये हो गया, ये जो है भाई है, किसका भाई है, एम का भाई है, तो एम का भाई है, तो एम जो है बहन भी हो सकता है भाई भी हो सकता है, तो एम का भाई है, तो ये दोनों भाई हो गया, ये दोनों का आप बताना है हमको क्या, W का M से क्या संबंध है, W का M से क्या संबंध होगा, पैटर्नल आंट मैटर्नल आंट ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, पैटर्नल आंट हो गया अंकल हो जाएगा पैटर्नल आंट, और पैटर्नल आंटी हो जाएगा पैटर्नल आंट, अब मैटर्नल आंट जो हो गया मैटर्नल आंट, तो ये हो जाएगा इसमें मामी हो जाएगी जिसको हम लोग मामी बोलते हैं, और ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। अब हमको बताना है W का M से क्या संबंध है, यहाँ पर देखिए ये दोनों मतलब भाई हो गया, तो इसका जो संबंध होगा इसके साथ इसका भी वही संबंध होगा दोनों, क्योंकि ये भाई है तो इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ से निकालते हैं R से, R का जो है पिता T हो गया, आर का पिता टी है,
और पिता की बहन, पिता की बहन क्या लगती है, बुआ या का हम लोग कहते हैं पिता की बहन, यहाँ पर हो रहा है इसका बेटा हो गया, इसका बेटा। तो इसमें डब्लू का एम से क्या संबंध हो जाएगा, हुआ या बुआ जो जो भी हम लोग कहते हैं, तो ये हो जाएगा पैटर्नल आंट, पिता से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा ये पैटर्नल आंट। आप देखिए दूसरा सवाल लीजिए, अभिव्यक्ति डी माइनस जे प्लस एम भाग के में के का डी से क्या संबंध है, सवाल लिखिए पहले, डी माइनस जे प्लस एम डिवीजन के में के का डी से क्या संबंध होगा, तो डी माइनस जे, डी माइनस जे देखिए डी माइनस जे का अर्थ है पी जो है क्यू की माता है, डी जो है ये हो गया जे की माता है। अब जे प्लस एम, जे प्लस एम का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, तो ये हो गया बहन। जे जो है एम की बहन हो गया। अब आगे बढ़िए, एम डिवाइड के, एम डिवाइड के पी जो है क्यू का पिता है, पी जो है ये हो गया पिता, ये पिता हो गया, तो यहाँ पर जो है पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, के जो है पुत्र या पुत्री एम का हो सकता है, तो एम जो है पिता है के का, और पिता की बहन, पिता की बहन ये तो दोनों फिर भाई बहन हो गया इसमें, पिता की बहन तो इसके बहन की माँ, बहन की माँ या फिर इसका पिता का ही माँ रहेगा, दोनों तो फिर एक ही होगा, दोनों का रिलेशन इसका भी माँ ही हो गया, तो इसका पुत्र का जो है इसका पिता और उसकी माता से क्या संबंध होगा, तो यह हो गया ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, ये हमारा विकल्प ए नंबर विकल्प आप हमारा सही हो जाएगा, ये तो ये किसका कहलाएगा, इसका इसके साथ रिलेशन जो है डायरेक्ट हो जाएगा ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, इसका इसका डायरेक्ट रिलेशन निकालेंगे, ठीक ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर या फिर डॉटर हो जाएगी, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ये दोनों के बीच में। आप देखिए एक लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं, इसमें दिया हुआ है अभिव्यक्ति m, m प्लस j डिवाइड k डिवाइड t इंटू आर में r का m से क्या संबंध होगा, तो m प्लस j, m प्लस j डिवाइड टी इंटू आर, ये हमारा समीकरण है एम प्लस जे, ये हो गया एम प्लस जे। अब देखिए प्लस जे, एम प्लस जे पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो एम जो हो जाएगा जे की बहन हो गया, एम जो है जे की बहन हो गया। जे डिवाइड टी, जे डिवाइड टी का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी जो है ये हो जाएगा पिता, टी इंटू आर, टी इंटू आर पी क्यू का भाई है, ये जो है भाई हो गया, आर का भाई है, मतलब इसका जो रिलेशन आएगा हमको इसमें पूछा जा रहा है आर का एम के साथ, यहाँ से पूछ निकालना है आर का जो है एम के साथ क्या संबंध होगा, ये हमको निकालना है,
तो देखिए ये दोनों भाई भाई हो गया, तो इसका इसके साथ जो संबंध होगा उसका ये भी होगा। तो यहाँ पर ये दिया नहीं हुआ है, इसमें जो है इसका भाई है, तो ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। भाई या बहन जो नहीं दिया हुआ है तो भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से इसका जो संबंध होगा उसका भी इसके साथ भी वही संबंध होगा। तब यहाँ देखिए, यहाँ ये हो गया पिता, इसका पिता टी का पिता जे है, टी का जो है पिता जे है, जे की बहन एम है, तो टी का क्या होगा, टी का एम जो है फुआ या बुआ कह सकते हैं कुछ भी हम लोग। तो आर का एम के साथ भी वही संबंध होगा, तो इसका जो है एम का जो है इसमें रिश्ता में क्या लग जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि ये जो है लड़का है या फिर लड़की है, तो यहाँ पर भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, तो नेफ्यू या निस, भतीजा या फिर भतीजी कुछ भी हमारा, तो ये हमारा विकल्प सी नंबर विकल्प सही होगा। तो रीजनिंग में जो है एक टाइप का सवाल ये भी आपका बनता है, इस तरह से भी सवाल आपको पूछा जाता है। तो आपको इसमें इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको करना है कि जैसे P इंटू क्यू दिया हुआ है, पी क्यू का भाई है, तो आपको इस डायरेक्शन में इस तरह से तीर लगाइए, पी जो है क्यू का भाई है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया रिलेशन, नीचे में रिलेशन लिखिए, तो ये हो गया पी जो है भाई है किसका, क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू पी क्यू की माता है, तो पी जो है माता है क्यू का, तो इस डायरेक्शन में तीर लगाइए और आपको पढ़ना इस तरह से, पी जो है इसका रिलेशन बता रहा है, पी जो है इससे क्यू का, क्यू की माता पी है, तो जिस डायरेक्शन में तीर जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको संबंध इसमें देखना है। उसी तरह से पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, तो जिस डायरेक्शन में तीर जा रहा है उस पी जो है रिलेशन बता रहा है क्यू का ये बहन है। तो इस तरह का सवाल में यहाँ से हम लोग भी देखेंगे, दो सवाल में फिर अलग अलग आपको नहीं करना है इसमें, एम प्लस जे तो एम प्लस जे बीच वाला निकालिए रिलेशन, एम प्लस जे पी का वैल्यू क्या है, फिर डिवाइड टी ये दोनों के बीच में फिर निकालना है, जे और टी के बीच में और टी इंटू आर, ये बीच में मतलब तीन रिलेशन एक संबंध के बीच में, एक रिलेशन दो रिलेशन तीन रिलेशन बन रहा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।